अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम चांदी है। मेरे को आदिल एजेंट आदिल बाहर भी जाने के लिए, सऊदी भी जाने के लिए बोला था टेलरिंग के काम पे, और मेरे को 3 महीने के वीज़ा पे भी जाया। फिर 3 महीने के वीज़ा पे भी जाने के बाद मेरे को सऊदी में 3 महीने 20 दिन तक अच्छे से काम कराए, अच्छे से सैलरी दिए। 1500 सैलरी थी मेरी। 3 महीने के बाद मेरे को सैलरी कम कर दिए। वो लोग बोले 300 रुपये सैलरी कम देते, घर का काम करो। बोल के बोले घर का काम भी बहुत ज़्यादा काम लगा है। वो लोग तरकारी का, खेतों में खजूर के झाड़ों में मुर्गी पालना, मुर्गी का खाना पानी सब देना करना, घर के भी पूरे काम, झाड़ू पोछा। और बहुत सताते थे, खाने को नहीं देते थे, सोने को भी नहीं देते थे, बस काम करो काम करो, बस जानवरों की तरह काम कराए मेरे को। टाइलर बोल के वो काम कराए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं बोले नहीं रहते, मैं जाते बोले थे वो पैसे दो। बोल के बोले मुझे 11,000 रियाल दो, जाओ बोल के बोले। मेरे पास तो पैसे रहते तो मैं गई को जाते सोची। फिर भी मेरे को बच्चे कैसा भी करे यहाँ पर कर्जे वे करके उसको दे दिए 11,000 रियाल इंडिया के, 2,05,000 दे के मैं यहाँ पर आई। लिहाजा कोई भी जा रहे तो ऐसे इस तरह इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। सऊदी हो या अरब कंट्री हो, कोई भी कंट्री में लेडीज़ को नहीं जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन माइन अगर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करें हम लोग, कोई भी एक्शन नहीं लिए और कोई कंप्लेन का कोई जवाब नहीं आया हमारे। जाके पूछ रहे आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ से। और हमारे जो एजेंट है आदिल एजेंट, उसको भी नहीं पकड़े अभी तक, उसको भी नहीं करे बुलाए। ये दुए बात बुलाते बोले वो तारीख को अभी तक नहीं बुलाए। हमारे केस का कुछ भी नहीं हुआ हमारे पुलिस स्टेशन।